सो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलेश कमले और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं गूगल क्रोम के नए फीचर के बारे में। और गूगल क्रोम ने नया फीचर इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है डार्क मोड फॉर वेब कंटेंट्स। डार्क मोड फॉर वेब कंटेंट्स मतलब हम लोग जो भी सर्च करते हैं गूगल क्रोम में वो हम लोगों को फ़िलहाल तो वाइट यूआई के साथ मिलता है, लेकिन हम लोग इस फीचर को अनेबल करने के बाद ये जो यूआई है वो ब्लैक हो जाएगा और डार्क मोड में दिखने लगेगा। फिलहाल तो ये टेस्टिंग फेज़ में है, हम लोगों को नोटिफिकेशंस आएंगे फ्यूचर में। जब भी टेस्टिंग फेज़ कंप्लीट होगी इसकी तो ये जो फीचर है वो सभी लोगों को अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन हम लोग इसको अभी भी यूज़ कर सकते हैं। आपको टाइप करना है गूगल क्रोम के नए टैब में chrome:// flags, एंटर की प्रेस करना है अपने कीबोर्ड पे। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट्स हैं, सो वार्निंग जो दिया गया है कि एक्सपेरिमेंटल फीचर्स अहेड, बाय अनेबलिंग दीज फीचर्स यू कुड लूज योर ब्राउजर डेटा और कॉम्प्रोमाइज योर सिक्योरिटी और प्राइवेसी। अनेबल्ड फीचर्स अप्लाई टू ऑल यूजर्स ऑफ दिस ब्राउजर। सो ये जो भी फीचर्स हैं यहाँ पे, जो भी फीचर्स हैं वो सब एक्सपेरिमेंटल फेज़ में है और इसको अनेबल करने के बाद हम लोग अपना ब्राउज़र डेटा लूज़ कर सकते हैं, सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं और प्राइवेसी भी हमारी लीक हो सकती है। ये हम लोग ने वार्निंग पहले ही देख लिया है, लेकिन फिर भी अगर आपको अनेबल करना है तो हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे डार्क, और डार्क सर्च करने के बाद हम लोगों को यहाँ पे फोर्स डार्क मोड फॉर वेब कंटेंट्स दिखाई देता है। सो ये अवेलेबल है फिलहाल तो, और फिर हम लोग यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और अनेबल्ड को क्लिक कर सकते हैं। अनेबल्ड को क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोगों को रीलॉन्च पे क्लिक करना है, ब्राउज़र रीलॉन्च हो जाएगा और हम लोगों को डार्क मोड यहाँ पे दिखाई देगा। अभी सपोज़ मैं जो भी सर्च करूँगा, सपोज़ मैंने विंडोज़ 10 ऑलरेडी सर्च करके रखा था, तो यहाँ पे जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं वो डार्क मोड में आ रहे हैं। सो आप देख सकते हैं कि ये डार्क मोड में कन्वर्ट हो चुका है। सो ऐसे आप इसको अनेबल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं और अपनी आंखों की तकलीफ़ को रोक सकते हैं। सो क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये जो फीचर है वो एक्सपेरिमेंटल फीचर्स है और हमारी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, तो आप अगर ये नहीं चाहते सो यहाँ पे फिर से क्लिक करना और फिर डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर देना और फिर ब्राउज़र जो है वो रिलॉन्च कर देना। सो रिलॉन्च होने के बाद हमारा फिर से वही यूआई हम लोगों को मिल जाएगा, वाइट स्क्रीन हम लोगों को मिल जाएगा। और इसके बाद जब भी आपको डार्क मोड फॉर वेब कंटेंट्स अवेलेबल होगा तो उसको अनेबल करना, क्योंकि वो टेस्टिंग फेज से निकल के सभी सिक्योरिटी टेस्टिंग को पास करके फिर हम लोगों को अवेलेबल किया जाएगा। सो बस इतना ही था इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स एंड बाय।